नमस्कार, स्टूडेंट क्लिनिकल इंचार्ज और डिप्टी डायरेक्टर रिफ्रैक्टिव सर्विसेज आईपी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यहां पे आप अपने बिजी शेड्यूल में से अपना वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। यहां पे हम बेसिकली एक नई मशीन एलिटा मशीन है जो कि सिल्क सर्जरी करती है, उसका अनावरण के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो हम करते हैं, चश्मा उतारने की जो प्रक्रिया है उसमें एक ये रेवोल्यूशनरी मशीन है जिसकी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और ये भारत में पहली बार आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में यहाँ शीतला में हम लेके आए हैं। और हमारे जो आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स हैं उनके हमारे चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजय शर्मा सर एक पाइनियर हैं। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है दुनिया में, वर्ल्ड में, तो ही इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स इन ब्रिंगिंग दैट टेक्नोलॉजी टू गुरुग्राम, ताकि गुरुग्राम वासी और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएँ। तो मैं आप डॉक्टर अजय शर्मा से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। ये आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में फाउंडर हैं और हमारे आईक्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के 23 शहरों में करीबन 32 अस्पताल हैं और हम भारत के बाहर भी नाइजीरिया में करीबन हमारे 3 सेंटर्स हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर अजय शर्मा सर को कि वो अपनी आईक्यू हॉस्पिटल में अपनी जर्नी के बारे में कुछ हमें बताएँ। सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं। ऑन बिहाफ ऑफ आईक्यू टीम, होल ऑफ आईक्यू, आई वेलकम यू ऑल टुडे। आज मेन एक खास पर्पज़ है आप सबको यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि आप ही हमेशा माध्यम रहे हैं, जरिया रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। कुछ भी जो कोई न्यूज़ है या कोई एक नई चीज़ जो भी आती है उसके लिए, तो आज आप सबको मैंने यहाँ पे निमंत्रण दिया इसलिए है कि आज हम एक बहुत नई लेटेस्ट जो वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम आज यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का जो एक ये टेक्नोलॉजी है वो एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, रिफ्रैक्टिव सर्जरी के अगर बोला जाए तो जिसको हम चश्मा उतारने की तकनीक बोलते हैं, उस टेक्निक के अंदर ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी को बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव सर्जरी तकरीबन 40 सालों से चल रही है। पहले बड़ी क्रूड फॉर्म में होती थी जब कट लगाते थे, फिर आया कि हम उसको लेज़र से करते थे, फिर आया हम उसका फ्लैप बनाते थे, वो फ्लैप माइक्रो एक ब्लेड से बनता था, फिर फ्लैप बनाने के लिए लेज़र आई जिसको हम फेमटो लेज़र बोलते थे। अब इसी का जो सबसे ऊँचा स्तर लेके जो ये मशीन है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की, जिसका नाम है एलिटा और इस प्रोसीजर का नाम है सिल्क। नाउ ये प्रोसीजर से हम जो ये फ्लैप उठाने का काम होता है, जो तकरीबन 180 डिग्री घुमा के आँख का कॉर्निया, जो काली पुतली आप देख रहे हैं उसका जो फ्लैप उठाया जाता है, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मशीन सिर्फ एक 2 से 3 मिलीमीटर के छेद, जितना आप 2-3 मिलीमीटर आप पहचान सकते हैं, जितना एक तकरीबन एक आपकी पेन की नोक का साइज का एक छेद बना के, और जो पुतली है कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं उसका एक हिस्सा, जिसको हम लेंटिक्यूल बोलेंगे, उसका एक हिस्सा काट देती है और वो 2 मिलीमीटर से हम वो हिस्सा, वो लेंटिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। इससे चश्मे की जो करेक्शन हो जाती है, जो चश्मा उतारने की विधि हो जाती है, इससे हम करेक्शन मात्र 1 नंबर से लेकर तकरीबन 8-9 नंबर तक भी चश्मा हम उतार सकते हैं। बट ऐसा क्यों, क्या फ़ायदा हुआ कि फ्लैप बनाया और ये आया? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी चीज़ इंसान सर्जरी जो भी कराता है, ये आमतौर पे एक कॉस्मेटिक सर्जरी मानी जाती है। जो कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक आपको पता नहीं चलना चाहिए सामने वाले को कि निशान है कि नहीं है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा लोग जो कि मिलिट्री में जाते हैं बेसिकली, राइट, नेवी में, मिलिट्री के अंदर जो जाते हैं, आर्मी आर्म फोर्सेज उनको कहें, वो बहुत सारे लोग इसको सर्जरीज को कराते हैं जिनको नंबर होता है, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी चलती है ना। उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि वहाँ पे अगर कोई कॉम्बैट में, कोई किसी चीज़ में, या एक नॉर्मल आदमी को भी कोई अगर चोट कहीं लग जाती है, कई बार वो फ्लैप हिल सकता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वो फ्लैप नहीं है, सिर्फ 2 मिलीमीटर का छेद और वो वहीं की वहीं हम सील कर जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी, बहुत सेफ प्रोसीजर है। सेकेंड, इसके अंदर रिकवरी बहुत जल्दी है। नॉर्मली जो लेज़र करते हैं उसके अंदर रिकवरी टाइम लेती है, बट इसके अंदर रिकवरी बहुत फास्ट है। विद इन जो है 24 आवर्स पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, घर जाके सब कुछ कर सकता है।
और विजन की स्टेबलाइजेशन 2 से 3 दिन में आ जाती है जो परमानेंट फिर रहती है, राइट। एंड ये रिपीटेबल सर्जरी है, मुझे जो करना है, मुझे 6.25 नंबर के साथ एक नंबर का सिलेंडर उतारना है, मैं मशीन में फीड करके यूं का यूं नंबर उसको उतार सकता हूँ। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के अंदर जो आई है, इंडिया के अंदर ये आई, और हम आईक्यू सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स इंडिया के अंदर अमंगस्ट फ्यू सेंटर्स हैं जो ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इंडिया के अंदर ये 3 से 4 जगह पे लॉन्च हुई है और साथ साथ हम पहले हैं। हमारा हमेशा ही जो आईक्यू के अंदर हो या उससे पहले, जब मैंने शीतला हॉस्पिटल बनाया था और मैं 1996 से आई की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा हमेशा ये रहा है कि टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में फर्स्ट आती है उसको अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि अडॉप्ट फिर भी सब कोई कर सकता है लेकिन अडॉप्ट करके उसको प्रैक्टिस किया जाए। तो हम ये लेके आए हैं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे लोगों का बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक ये सेफ्टी है और प्रिसाइज बहुत है जितना काम हम करना चाहते हैं। तो आज उसके लिए ये लॉन्च के लिए हमें आपको बुलाया है, आपको एक राउंड करा के वो मशीन को भी दिखाएंगे वो कैसी मशीन है। हाँ, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट है, जॉनसन जॉनसन है, इसकी कॉस्ट भी काफ़ी है, लेकिन जो भी है पेशेंट के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो कॉस्ट शुरू के अंदर रहती है, बाद में धीरे धीरे सब वो कम हो जाती है। आईक्यू के बारे में डॉक्टर साहब ने सब आपको बता दिया। 2007 के अंदर ये हमने एक चेन शुरू करी थी, मैंने उससे 96 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शीतला अस्पताल मैंने 99 में बनाया था, बट अब 2007 में हमने ये आईक्यू सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स करके एक चेन शुरू करी थी, जो कि आज जिसके अंदर तकरीबन 30 सेंटर हमारे इंडिया के अंदर हैं और 3 सेंटर हमारे आउट ऑफ इंडिया हैं, नाइजीरिया के अंदर 3 बहुत बड़े बड़े सेंटर। हम तकरीबन हरियाणा के हर कोने के अंदर मौजूद हैं, राइट। नॉर्थ इंडिया के हम नंबर वन, हरियाणा के तो नंबर वन है ही, नॉर्थ में यूपी, उत्तराखंड, गुजरात नीचे, तो हम कई जगह के ऊपर मौजूद हैं। और जहाँ पे भी हैं हम अपना जो बेस्ट अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम आयुष्मान की सर्जरी करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान सर्जरी हरियाणा के अंदर हम करते हैं, और हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा है, गुड़गांव है, भिवानी, झज्जर, सब जगह के अंदर ये सर्जरीज होती हैं, जो कि ये मोदी जी का जो हेल्थ के लिए ये उन्होंने जो आयुष्मान जो निकाला है। और हमारे को हर हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान के लिए अवार्ड भी मिल चुका है, बिकॉज हम मैक्सिमम सर्जरी और बेस्ट आउटकम, बिकॉज हमें हर पेशेंट के अंदर फेको सर्जरी करते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास हर टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जो हमने आज करा वही, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी जिसको लेटेस्ट कैटरेक्ट सर्जरी जिसको रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी वो भी हम करते हैं, और नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन तो हम कई सालों से कर ही रहे हैं। ऐसे ही साथ के अंदर रेटना जो पर्दे की बीमारियों के लिए, हमारे पास इन 30 सेंटरों के अंदर कम से कम 12 सेंटर ऐसे हैं जहाँ हम रेटना की सर्जरीज करते हैं, क्योंकि रेटना सर्जरीज के लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट लगते हैं, वो हम सारे वहाँ करते हैं। तो ये लेटेस्ट जो भी चीज़ है, ओकुलोप्लास्टी, पलक नीचे करना, काले मोती की सर्जरी, सब हम यहाँ पे कर रहे हैं 2007 से, और कई लाख हम पेशेंट, तकरीबन 10 लाख पेशेंट ऑलरेडी देख चुके हैं, और हम कम से कम 2 लाख सर्जरीज ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये सब करके हमने अपना पार्ट एक छोटा निभाया है इस देश के लिए, इस स्टेट के लिए, कि जितना हम मैक्सिमम लोगों को दे सकें। हमारा जो है सबका सवाल दिमाग में रहता है कि एंट्री लेवल, एंट्री लेवल आयुष्मान का एंट्री लेवल इज़ हमारा एंट्री लेवल, क्योंकि आयुष्मान से सरकार जो है 7,000 रुपये जो देती है वो उससे और उससे कम ही हमारा एंट्री लेवल सर्जरी का, जिसमें हम एक बहुत ही उत्तीर्ण लेंस डालते हैं जिसको हम फोल्डेबल लेंस बोलते हैं, जो हम हार्ड लेंस नहीं डालते हम किसी भी सर्जरी के अंदर, और जो हमारा स्मॉलेस्ट चीरा रहता है वो 2.4 mm रहता है, उससे हम ये सारा काम करते हैं। ये सब कर रहे हैं, आगे और बढ़ेंगे, नई जो भी टेक्निक आएगी उसको हम जरूर लेके आएंगे, चाहे वो गुड़गांव है, हरियाणा है, गुजरात है, कहीं पे भी जहाँ हमें मौका मिलेगा उसको लाएंगे, और अपने मरीजों के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, तरक्की के लिए जो बेस्ट से बेस्ट है हम वो करेंगे। धन्यवाद। आपका कोई सवाल आपके तो? हाँ जी, लेजर ट्रीटमेंट से कैसे डिफरेंट और इसमें कितना टाइम लगता है? सर्जरी के अंदर जो है दोनों आँख के अंदर आपके 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट के अंदर जो हम करते थे उसमें 16 से 17 मिनट, कई बार 20 मिनट लगते थे। तो एक तो ट्रीटमेंट मोडलिटी हाफ हो जाती है, सेकेंडली आप जो पूछ रहे हैं डिफरेंट कैसे है,
कोई भी चीज़ आपका से फेस है, आई है, या आपको मैं स्किन की बात करता हूँ, तो चमड़ी के अंदर अगर हम कहें कि हमने एक गोल कुछ बनाया, एक ढक्कन टाइप, और उसको बना के हमने उठा लिया, उठाने के बाद जो दिखाई देगा वो अंदर आपको सारे नसें, राइट ना, सुर्खियाँ, लाल, ये सब ब्लड दिखाई देगा। तो इसके अंदर हम अंदर नहीं जा रहे, फ्लैट नहीं उठा रहे, लेज़र ही अंदर ऐसा कुछ कर देती है, मुझे छोटे से छेद से मैं वो पार्ट फिर बाहर निकाल लेता हूँ, राइट। तो ये इसलिए सेफ बहुत है। पेशेंट को क्या चाहिए कि सर्जरी में मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, सर्जरी से मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी सेफ है क्या, आगे जाके मेरे को कोई चोट लगती है खराबी तो नहीं होगी, तो ये सब उसके लिए बहुत सेफ है। क्योंकि जहाँ से हम वो निकाल रहे हैं वो चीरा मात्र इतना है, जैसे आप इंजेक्शन, अगर सुई सबने लगवाई होगी आजकल, सबने वैक्सीनेशन भी कराई है, वो थोड़ी बारीक है, उससे सपोज 3 गुना और अगर हम 2 गुना और कर लें तो वो उतना ही चीरा होता है, राइट। तो अगर आप डाल के मसल के 2 मिनट बैठ के ठीक हो जाते हैं, समझो ये वैसे ही। लेकिन क्योंकि आँख है, दवाई जरूर डलती है, 15 से 20 दिन हम दवाई डलवाते हैं पेशेंट को, ताकि इंटरनल रिकवरी होती है, तो इसलिए ये उससे नॉर्मल लेजर से डिफरेंट है। सर, इसमें कोई एज लिमिट है? क्योंकि आजकल बच्चों पर भी आके देखा जाए तो प्रेफरेबली हम ये शुरुआत करते हैं मिनिमम 18 साल की उम्र से, वो भी तब जब 18 साल तक किसी बच्चे का चश्मा या नंबर स्टेबल हो जाए, राइट, तब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आइडली हम इसको, हमें करना चाहिए 35-37-38 साल तक हम ये करते हैं। करने को हम ये सर्जरी 50 साल की उम्र वालों को भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जो 50 साल से ऊपर जब कोई भी आदमी या कोई भी इंसान हो जाता है तो उसको धीरे धीरे सफ़ेद मोतिया की तकलीफ आने लग जाती है। अल्टीमेटली 60 साल की उम्र में या 65 साल में उसको सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो वो जो चश्मे की करेक्शन उसकी 10-12 साल 15 साल रहेगी। अगर मैं यही सर्जरी 30 साल में करता हूँ तो उसकी करेक्शन 30 साल रहेगी। तो अगर किसी को इस चीज़ की चिंता नहीं है कि मैं 10-12 साल 15 साल में कोई बात नहीं, मैं चश्मे के बगैर रहना चाह रहा हूँ, जब मोती आएगा तब देखेंगे, तो मैं इसको 50 साल की उम्र में भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आइडली अगर है, जो टेक्स्ट बुक्स और बुक्स के हिसाब से 18 साल से उम्र से लेकर 35-36 साल तक इज द आइडियल सर्जरी, जो हम कहते हैं चश्मा उतारने के। डॉक्टर साहब, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है जो भी आप चर्चा कर रहे हैं, तो इससे भी किसी का ऑपरेशन हुआ जो आंखों वाला बता रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हो चुका है ऑलरेडी, तभी उसके बाद ही हमने आपको बुलाया, क्योंकि आजकल कोई भी कंपनी ये जो इतनी बड़ी बड़ी इतनी महंगी जो मशीनें लगाती है, उससे पहले कंपनी भी हमसे बहुत सारी चीज़ें लेती है कि हमने क्या किया, फाइनल रिजल्ट्स क्या आए हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे उसी मशीन, वो मशीन दो काम करती है, एक तो ये जो मैंने आपको बताया लेंटिक्यूल, वो मशीन फ्लैप भी उठाती है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो एक मशीन से अब दो काम होंगे। उस मशीन पे ये दोनों मिला के ऑलरेडी हम 50 पेशेंट ऑपरेट कर चुके हैं। हमारे उन 50 पेशेंट में से जो सिल्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर से हमारे 21 पेशेंट है जो जिसके लिए हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। उन 21 पेशेंट में अभी तक मुझे एक भी पेशेंट के अंदर किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे भी नहीं आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। शुरुआत में कुछ भी करते हुए, आप चाहे नई गाड़ी भी लेते हैं तो शुरू में बड़ा ढंग से चलाते हैं कि कुछ, लेकिन जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसको और अच्छी तरह चलाते हैं। तो ये मशीन टेक्नोलॉजी, लेकिन एक बात फिर मैं इसमें ऐड करूँगा, मशीन है, काम करने वाला डॉक्टर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि सब कुछ मशीन में, रोबोटिक बोल दूँ कुछ बोल दूँ ऐसा नहीं होता, राइट। चंद्रयान भी ऊपर गया तो चलाने वाले नीचे इंसान थे, तो काम करने वाला डॉक्टर ही रहेगा, वही इसको चलाता है, वही इसकी सेफ्टी देखता है, वही पेशेंट की सेफ्टी देखता है। और हाँ, इसी में सवाल और उठ सकता है उसी के लिए, सारे ये नहीं है कोई आके कहे जी मुझे इससे ऑपरेट कर दो, हमारे पास ना भी है, क्योंकि अगर कोई इसके लिए फिट नहीं है तो ये सर्जरी क्या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी लेजर से नहीं हो सकती, उसके लिए फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव है, तो इसके लिए ना भी है। ठीक होने के लिए कुछ इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो भी हम जांच। 2 दिन पहले फोर्टीज में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी फोर्टीज हॉस्पिटल में, वो किसी ऑपरेशन को लेकर के पत्रकारों को बता रहे थे, तो जिनका ऑपरेशन हुआ था वो भी मौके पर मौजूद थे, पत्रकारों ने उनसे भी बातचीत किया था कि आप पूरी तरह से फिट हैं, तो
तो जिन लोगों का ऑपरेशन किया उसमें से एक दो लोगों को तो रहना चाहिए। ये पेशेंट की ऊपर रहता है जी, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, पेशेंट जो ट्रीटमेंट कराता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। वहाँ लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, लंग ट्रांसप्लांट के बाद सामने पेशेंट को खड़ा किया जो जीवन और मौत का जिसका सवाल है, राइट। तो हम टेस्टिमोनियल आपको दे सकते हैं पेशेंट से पूछकर, राइट, चाहे शाम तक भी पहुँचा सकते हैं, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस भी उनसे करा सकते हैं, बट ये पार्ट हमें उनसे पूछे बगैर, उनकी कंसेंट के बगैर मैं नहीं कर सकता, राइट। और दूसरा ये और इम्पॉर्टेंट इसलिए, जो आप बात कर रहे हैं बहुत ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी में माना जाता है। और ये पेशेंट का है कि मुझे क्यों बताना है कि मैंने लेसिक कराया हुआ है, चश्मा उतरवा रखा है। लंग ट्रांसप्लांट वाला जिसकी कुछ उम्र बची हुई है, उसको अगर अगले 15-20 साल मिल जाए तो वो तो खड़े होकर बोलेगा कराइए, क्योंकि दूसरों की मदद होगी। तो ये एक नया टेक्नोलॉजी है। बाकी हाँ, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, हम आज ही कोशिश करेंगे टेस्टिमोनियल दिलाने की, और आपको अभी प्रेजेंट अभी हम नहीं करा पाए अगर, तो आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने की। मेरे जो हरियाणा के अंदर, जैसे हमने बताया कि हरियाणा में तो हम गुड़गांव के अंदर हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं, फिर अगर यहाँ से निकले तो रेवाड़ी है, झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, फतेहाबाद, सिरसा, यमुनानगर, उसके बाद सोनीपत है, तो और बाहर जाते हैं तो फिर हमारा सहारनपुर है, रुड़की है, मुजफ्फरनगर है, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी है, अल्मोड़ा है, देन गुजरात के अंदर हमारा सूरत के अंदर 3 ब्रांचेज हैं, फिर भरूच वहाँ एक शहर है, बड़ौदा वहाँ शहर है, ऐसे ही नाइजीरिया के अंदर लेगोस फाइनेंशियल कैपिटल है, अबूजा जो उनका मेन कैपिटल है वहाँ पे वो हमारा एक सेंटर है, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। तो ये हमारे जो सेंटर्स हैं अभी, और किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिशियन को या किसी भी कंपनी को बढ़ने के लिए बेस्ट जो मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है कि पहले आपको अपने स्टेट के अंदर बहुत सॉलिड पकड़ होनी चाहिए, जो आज हमारी है। आज IQ हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 है, हम बिल्कुल बोल्डली बोल सकते हैं। जहाँ जहाँ हम हैं, हमारा वहाँ पे जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंडेक्स जिसको बोलते हैं कि वो सेटिस्फाई है कि नहीं है, वो बहुत हाई है। तकरीबन हमारा 85-87% इंडेक्स सेटिस्फेक्शन का आता है। आप गौर करें, कभी देखें गूगल रिव्यूज़ के अंदर भी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्या कुछ खर्च आते हैं सर्जरी के अंदर? जो पैकेज है जो स्टार्ट अभी होगा वो एटलीस्ट 1.2 लाख फॉर बोथ दी आईज से स्टार्ट होगा। और क्योंकि अब सवाल है कि इतना हाई पैकेज, एक नॉर्मल सर्जरी लेज़र से 40,000 में भी होती है, लेकिन फिर वो बात आती है कि आँख, वो भी ज़िंदगी में एक बार ऑपरेट होनी है, राइट, वो भी उसके साथ सारा चलना है और आपको उससे सब कुछ देखना है। तो आँख की जो नेचर की नेचुरल विजन है उसी को बरकरार रखना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसका कंट्रास्ट होना, उसी जैसा दिखना, और कोई ग्लेयर ना पड़े, चौंधा ना पड़े, ड्राई ना हो, मतलब उससे सर्जरी से कोई प्रॉब्लम ना आए, सीक्वली बाद में ना आए, तो उसके लिए नई टेक्नोलॉजीज जैसे निकलती हैं। तो इनिशियली क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन ज़्यादा, एक दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है, इसके अंदर एक LOI बोलते हैं, लिक्विड ऑप्टिक इंटरफेस लगती है, जिससे ये लेज़र लगती है, उसके बगैर लेज़र नहीं लग सकती, उसकी कॉस्ट है जो कंपनी हमें भी परचेज कराती है, राइट। तो इस सारी उसके अंदर अगर मशीन और उसकी कॉस्ट अगर देखी जाए वो बहुत हाई हो जाती है, इसलिए इसकी कॉस्ट हाई है। जो अभी जो सर्जरी होती है जिसको हम फेम्टो लेसिक बोलते हैं, फ्लैप वाली जो मैं बता रहा, जो लेज़र से फ्लैप उठता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 85-90,000 आती है, इसकी कॉस्ट उससे 30,000 ज़्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ दैट LOI। टाइम के साथ साथ विल सी, वी ऑल्सो वॉन्ट के जितना ज़्यादा पेशेंट इसको कराएं जितना उनको फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट भी है? साइड इफेक्ट्स मैंने बाकी सर्जरीज के बताए आपको। साइड इफेक्ट तब है अगर मैं गलती करके ये सर्जरी करता हूँ, अगर मैंने केस सिलेक्शन गलत करी, तो किसी भी सर्जरी का साइड इफेक्ट, राइट, वो आँख की नहीं, चाहे पेट की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, तो उस सर्जरी का साइड इफेक्ट है। एज सच इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो मैक्सिमम साइड इफेक्ट किसी को हो सकता है वो ये है कि मुझे लास्ट लाइन नहीं नज़र आ रही, राइट। तो उसके लिए क्या मेरे पास जवाब है उसका? हाँ, मेरे पास जवाब, मैं उसको
रेक्टिफाई कर सकता हूँ किसी भी प्रोसीजर से, तो अगर सेम वो सब नॉर्मल लिमिट में है। डॉक्टर साहब आप बड़े पुराने और अनुभवी डॉक्टर हैं, नॉर्मली चश्मे की जरूरत 35-40 के करीब ही लोगों को पड़ती है, नहीं तो सामान्य तौर से तो 12-14 साल के बच्चों को भी चश्मा लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए 40 साल की उम्र में ये जो नई टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, किसी ने उस तरीके से अपनी आँखों का वो कराया, तो उसकी अवधि क्या होगी, कब तक, 10-15-20 साल? मैंने जवाब दिया था अभी, आपने पूछा था कि अगर आप 40 साल की उम्र में सपोज़ ये सर्जरी कराते हैं और आपको नंबर है, चश्मा है, तो उसको उतारने के लिए उसकी अवधि तब तक है जब तक उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, जब कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं जो आएगा, तब तक उसकी आँख चला, अब वो 60 पे आएगा, 65 पे आएगा, 70 पे आएगा, उसका वो चलेगा। एक और चीज़ जो है आप शायद जो पूछना चाह रहे हैं, 40 साल का जो चश्मा जो लगता है वो नियर विजन का लगता है, नज़दीक का लगता है, तो ये सर्जरी उसके लिए नहीं है, ये सर्जरी उन लोगों के लिए जिनको चश्मे का नंबर है और 40 से पहले जिनका नंबर है, राइट, तो ये उनके लिए सर्जरी है। जैसे बच्चों को आजकल सारे बोलते हैं कि जल्दी चश्मा लगने लग गया, राइट, कोई बोलते हैं कंप्यूटर ज़्यादा है इसलिए लग गया, क्या जी इसलिए हो गया, तो नंबर पहले भी होते थे लेकिन पहले पता नहीं चलते थे क्योंकि इतने समाधान भी नहीं थे पहले, इतने लोगों को ले जाने के लिए डॉक्टर्स भी नहीं थे, तो लोगों चश्मा बच्चों को होता लेकिन बाद में जाके पता चलता था। अब ये है कि टेस्टिंग स्कूल से ही शुरू हो जाती है, आपका प्री स्कूल के अंदर ही बच्चों का जाके टेस्टिंग आई की होती है क्योंकि वहाँ डॉक्टर की मैंडेटरी हो गया, डॉक्टर जाएगा, तो इसलिए नंबर ज़्यादा निकल। हाँ, फ़र्क ज़रूर आया है बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज ऑफ स्मार्टफोन्स, टेलीविजन, इससे फ़र्क आया है कि बच्चों का नंबर उभर उभर के आता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं इसलिए जल्दी चश्मा लगता है। लेकिन फिर दोबारा मैं रिपीट करूँगा, चश्मा जब स्टेबल हो जाए, जब नंबर ना बढ़ रहा हो, जो कि आमतौर पे 18-19 साल के अंदर होता है, उसके बाद हम ये सर्जरी करते हैं। बेस्ट पॉसिबल सर्जरी जो बताया 35 से 37 साल तक है, और ये नज़दीक का चश्मा उतारने के लिए सर्जरी नहीं है, ये सिर्फ क्योंकि 40 साल से पहले जो चश्मा रहता है वो सिर्फ दूर का रहता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, मेनली दूर का रहता है। थैंक यू सो मच आप लोगों का यहाँ आने के लिए और आपके ये टाइम निकालने के, और मैं चाहूँगा और मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको इस नई मशीन के बारे में आप ज़रूर शेयर करेंगे, और मैं आपको हमारी टीम की तरफ से ये थैंक यू सो मच।